एवरीवन, वेलकम बैक टू माय मिनी व्लॉग। आज मैं व्लॉग में दिखाऊंगी हमारा पोपट कैसे बना। पहले हम गए मामी के घर कहीं, क्योंकि हमें कहीं बाहर जाने का प्लान था। यहाँ पे देखो पवन जारा को डरा रहा था हेलमेट से कि मैं इसमें बंद कर दूंगा, बट फाइनली ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हम चारों भाई बहन निकल गए बाहर, लाइक हम जा रहे हैं करोल बाग। और ये देख रही हूँ मैं पीछे कि श्वेता और निखिल कहाँ रह गए, फाइनली दिखाई दिया। ओ, ये दोनों भी पीछे से आ रहे हैं। ठीक है, मौसम भी अच्छा था, गर्मी थी बट शाम को काफी अच्छा मौसम था। हम जहाँ भी जा रहे थे यार बहुत एक्साइटेड थे, बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। और ये जो प्लान हुआ श्वेता के कहने पे, हम पहुंच गए 0 डिग्री। हमने इंस्टाग्राम पे रील देखा था, वहाँ पे कुछ भी खाओ 99 रुपीज का। फटाफट से हमने बोरिया बिस्तर उठाया, रात को वहीं चल गए। लाइक घर पे भी मना कर दिया कि हम खाना नहीं खाने वाले हैं। फटाफट से हम ऊपर जा रहे हैं, फर्स्ट फ्लोर पे डोमिनोज है और सेकेंड फ्लोर पे 0 डिग्री है। लाइक मैं फर्स्ट टाइम जा रही हूँ, ये श्वेता ने बताया था। जैसे ही हम वहाँ पहुंचे मैं शॉक हो गई यार, खाने के लिए इतनी लंबी लाइन, आप अंदर देखो इतना ज्यादा भीड़ और इतनी गर्मी, बाहर भी बहुत गर्मी थी, बहुत लोग वेट कर रहे थे। लाइक सब लोग लगता है रील देख देख कर वहाँ पहुंच गए जैसे हम पहुंचे, क्योंकि श्वेता ने बताया यहाँ पे 99 रुपीज का मिल रहा है। तो मैं बोली चलो यार ट्राई करती हूँ, मैं थक गई, मैं सीढ़ियों पर बैठ गई। हाफ एन आवर बाद हमारा नंबर आया, हम अंदर चले गए। अंदर इतनी गर्मी थी, कुछ भी एसी वगैरह नहीं था, अगर एसी था भी ना बहुत कम चल रहा था। लाइक कोई ऑर्डर लेने भी नहीं आ रहा था, कोई आ रहा था कोई जा रहा था, समझ नहीं आ रहा था यार कि यहाँ पे चल क्या रहा है। फिर हमें बुकलेट मिला, वहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्या ऑर्डर करना है। उसके बाद समझ में आता है आप 3 चीज़ ही ले सकते हो, एक फ्राइज और एक लाइक ये था पिज्ज़ा और एक था पास्ता। लाइक तब समझ में आया आप कुछ भी नहीं, सिर्फ 3 चीज़ें ले सकते हो, बहुत ही बेवकूफ़ बना रहे थे। और यहाँ देखो बुकलेट में उसका प्राइस ही 99 रुपीज़ है, 169 रुपीज़ है। और एक लाइक पास्ता महंगा था जो कि ऐसे हमें रिसीव हो गया था, लाइक कुछ खास नहीं लगा, टेस्ट वगैरह कुछ भी अच्छा नहीं था। और एक तो था कि आप उनकी मर्जी से खाओगे, ऐसा नहीं कि आप कोई फ्लेवर का डिमांड कर सकते हैं या कोई भी चीज़, नहीं, आपको 3 चीज़ ही मिलेगा 99 रुपीज़ में, मतलब कि 300 हो गया, 99 99 99। बट कोई भी टेस्ट वगैरह अच्छा नहीं था। रील्स देखकर हमारा इतना बड़ा पोपट हुआ, हमारा पेट भी नहीं भरा। और सिर्फ एक बार ही ऑर्डर कर सकते हो एक टेबल से। हम निकल गए बाहर, हमें कुछ भी पसंद नहीं आया, भूख भी लगी थी, 300 रुपये भी वेस्ट हो गए। फिर हम चले गए करोल बाग की तरफ, लाइक ये देखो कि कुछ हमें खाने को मिल जाए, क्योंकि हम जो प्लान करके गए थे ना वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं मिला। टेस्ट वगैरह तो बहुत ही पुअर था और बहुत भीड़, स्टाफ भी सही से काम नहीं कर रहे थे, ना सुन रहे थे, ना कुछ कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहे थे, गर्मी अलग। फिर हम पहुंच गए यहाँ पे, आपने एस्पिरेंट वेब सीरीज देखा होगा जो कि यहाँ पे शूट हुआ था, यहाँ का लाइक चाय वाला शॉप भी था। मैं अंकल से पूछी भी कि लाइक वेब सीरीज जब शूट हो रहा था तो क्या आप ही चाय दे रहे थे, कह रहे थे नहीं, जो भी बंदा था उनका खुद का था। फिर हम यहाँ आकर चाय पिए, क्योंकि मेरा भाई बता रहा था कि यहाँ का चाय बहुत टेस्टी होता है, मुझे चाय पीना बहुत पसंद है। फिर हम चाय पी के चले गए घर की तरफ भाई, फिर भी हमारा पेट नहीं भरता, हम कुछ ढूंढ ही रहे थे कि हमें कुछ खाने का मिल जाए। पवन रुक गया बनाना शेक, लाइक शेक की शॉप पे जिसे जो शेक पीना था पी लो। इधर से वो दोनों भी आगे चले गए ना देखते कि ओह ये लोग तो स्टॉप पे रुक गए, फिर दोनों भाई बहन भी आ गए, फिर हमने पिया शेक। दैट्स इट फॉर द व्लॉग, आज के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट।